प्रश्न: मैं अपनी और अपने बच्चों की तरफ से कुर्बानी करने की इच्छा रखता हूं, तो क्या कुर्बानी के जानवर के कुछ निर्धारित गुण और विशेषताएं हैं? या मेरे लिए किसी भी बकरी की कुर्बानी करना उचित है? उत्तर का पाठ: हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है। कुर्बानी के जानवर की 6 शर्तें हैं। पहली शर्त: वे बहीमतुल अनाम चौपायों में से हों, और वे ऊंट गाय और भेड़ बकरी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर किया है ताकि वे उन बहीमतुल अनाम चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है। सूरतुल हजर 34। बहीमतुल अनाम पशु से मुराद ऊंट गाय और भेड़ बकरी हैं, अरब के बीच यही जाना जाता है। इसे हसन, कतादा और कई लोगों ने कहा है। दूसरी शर्त: वे जानवर शरीयत में निर्धारित आयु को पहुंच गए हों, इस प्रकार की भेड़ जज़ा हो या दूसरे जानवर सनिया हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम मुसन्ना जानवर ही कुर्बानी करो, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिए कठिनाई हो तो भेड़ का जज़ा कुर्बानी करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुसन्ना सनिया या उससे बड़ी आयु के जानवर को कहते हैं और जज़ा उससे कम आयु के जानवर को कहते हैं। ऊंट में से सनिया वह जानवर है जिसके 5 साल पूरे हो गए हों। गाय में से सनिया वह जानवर है जिसके 2 साल पूरे हो गए हों। बकरी में से सनिया वह जानवर है जिसका 1 साल पूरा हो गया हो। और जज़ा उस जानवर को कहत हैं जो 6 महीने का हो। अतः ऊंट गाय और बकरी में से सनिया से कम आयु के जानवर की कुर्बानी करना शुद्ध नहीं है, भेड़ में से जज़ा से कम आयु की कुर्बानी नहीं है। तीसरी शर्त: वे जानवर उन दोषों ऐबों और कमियों से मुक्त खाली होने चाहिए जिनके होते हुए वे जानवर कुर्बानी के लिए पर्याप्त नहीं हैं, और वे 4 दोष हैं। 1. स्पष्ट कानापन, और वह ऐसा जानवर है जिसकी आंख धंस गई, अंधी हो गई हो, या इस तरह बाहर निकली हुई हो कि वह बटन की तरह लगती हो, या इस प्रकार सफ़ेद हो गई हो कि साफ तौर पर उसके कानेपन का पता देती हो। 2. स्पष्ट बीमारी, ऐसी बीमारी जिसकी निशानियां पशु पर स्पष्ट हों, जैसकी ऐसा बुखार जो उसे चरने से रोक दे और उसकी भूख को मार दे, और प्रत्यक्ष खुजली जो उसके गोश्त को खराब कर दे या उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर दे, और गहरा घाव जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए इत्यादि। 3. स्पष्ट लिंगड़ापन, जो पशु को दूसरे दोषरहित पशुओं के साथ चलने से रोक दे। 4. ऐसा लागरपन जो गुदा को समाप्त करन वाला हो, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि कुर्बानी के जानवरों में किस चीज़ से बचा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से संकेत करते हुए फरमाया। 4. लिंगड़ा जानवर जिसका लिंगड़ापन स्पष्ट हो, काना जानवर जिसका कानापन स्पष्ट हो, रोगी जानवर जिसका रोग स्पष्ट हो, तथा लागर जानवर जिसकी हड्डी में गुदा न हो। इसे इमाम मालिक ने मुवत्ता में बरा बिन आज़िब की हदीस से रिवायत किया है, और सुनन की एक रिवायत में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही वर्णित है कि उन्होंने कहा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच खड़े हुए और फरमाया कि 4 चीज़ें, दोष और खामियां कुर्बानी के जानवर में जायज़ नहीं हैं। और आपने पहली हदीस के समान ही उल्लेख किया। इसे अल्बानी ने इर्रवा उल गलील 1148 में सही कहा है। ये 4 दोष और खामियां कुर्बानी के जानवर के पर्याप्त होने में रुकावट हैं, अर्थात इनमें से किसी भी दोष से पीड़ित जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह जिन जानवरों में इन्हीं के समान या इनसे गंभीर दोष और खामियां होंगी उन पर भी यही हुक्म लागू होगा। इस आधार पर निम्नलिखित जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। 1. वह जानवर जो दोनों आँख का अंधा हो। 2. वह जानवर जिसका पेट अपनी क्षमता से अधिक खाने के कारण फूल गया हो, यहाँ तक कि वह पाखान कर दे और खतरे से बाहर हो जाए। 3. वह जानवर जो जने जाने के समय कठिनाई से पीड़ित हो जाए, यहाँ तक कि उससे खतरा टल जाए। 4. ऊंचे स्थान से गिरने या गला घुटने आदि के कारण मौत के खतरे का शिकार जानवर, यहाँ तक कि वह खतरे से बाहर हो जाए। 5. किसी बीमारी या दोष के कारण चलने में असमर्थ जानवर। 6. जिस जानवर का एक हाथ या एक पैर कटा हुआ हो। जब इन दोषों और खामियों को उपर्युक्त 4 नामजद मंसूस खामियों के साथ मिलाया जाए तो उन खामियों ऐबों की संख्या जिनके कारण कुर्बानी जायज़ नहीं है 10 हो जाती है। ये 6 खामियां और जो पिछली 4 खामियों से पीड़ित हो। 4. शर्त: वह जानवर कुर्बानी करने वाले की मिल्कियत संपत्ति हो, या शरीयत की तरफ से या मालिक की तरफ से उसे उस जानवर के बारे में अनुमति प्राप्त हो।
अतः ऐसे जानवर की कुर्बानी शुद्ध नहीं है जिसका आदमी मालिक न हो, जैसे कि हड़प किया हुआ या चोरी किया हुआ या झूठे दावा के द्वारा प्राप्त किया गया जानवर इत्यादि, क्योंकि अल्लाह ताला की अवज्ञा के द्वारा उसका सामीप्य और नज़दीकी प्राप्त करना उचित नहीं है। तथा अनाथ के संरक्षक सरपरस्त के लिए उसके धन से उसकी तरफ से कुर्बानी करना वैध है अगर उसकी परंपरा है और कुर्बानी न होने के कारण उसके दिल के टूटने का भय है। तथा वकील प्रतिनिधि का अपने मुविक्कल के माल से उसकी अनुमति से कुर्बानी करना उचित है। पांचवी शर्त, उस जानवर के साथ किसी दूसरे का हक अधिकार संबंधित न हो, चुनांचे उस जानवर की कुर्बानी मान्य नहीं है जो किसी दूसरे की गिरवी हो। छठी शर्त, शरीयत में कुर्बानी का जो सीमित समय निर्धारित है उसी में उसकी कुर्बानी करे, और वह समय कुर्बानी 10 जुलहिज्जा के दिन ईद की नमाज के बाद से अयामे तशरीक अर्थात 13वीं जुलहिज्जा के दिन सूर्यास्त तक है। इस तरह बलिदान के दिन चार हैं, नमाज के बाद से ईद का दिन और उसके बीद अतिरिक्त 3 दिन। जिसने ईद की नमाज से फारिग होने से पहले या 13वीं जुलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद कुर्बानी किया तो उसकी कुर्बानी शुद्ध और मान्य नहीं है, क्योंकि इमाम बुखारी ने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की तो उसने अपने घर वालों के लिए गोश्त तैयार किया है और उसका धार्मिक परंपरा से कुर्बानी की इबादत से कोई संबंध नहीं है। अथा जुनद बिन सुफयान अल बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपस्थित था जब आपने फरमाया, जिसने ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर दिया वह उसके स्थान पर दूसरी कुर्बानी करे। अथा नुबैशा अल हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तशरीक के दिन खाने पीने और अल्लाह अज़्ज़ा व जलल को याद करने के दिन हैं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। किंतु यदि किसी कारणवश तशरीक के दिन 13 जुलहिज्जा से विलंब हो जाए, उदाहरण के तौर पर बिना उसकी कोताही के कुर्बानी का जानवर भाग जाए और समय बीत जाने के बाद ही मिले, या किसी को कुर्बानी करने के लिए वकील प्रतिनिधि बना दे और वकील भूल जाए, यहाँ तक कि कुर्बानी का समय निकल जाए, तो उज्र के कारण समय निकलने के बाद कुर्बानी करने में कोई बात नहीं है, तथा उस आदमी पर कियास करते हुए जो नमाज से सो जाए या उसे भूल जाए तो वह सोकर उठने या उसके याद आने पर नमाज पढ़ेगा। निर्धारित समय के अंदर दिन और रात में किसी भी समय कुर्बानी करना जायज है, जबकि दिन में कुर्बानी करना श्रेष्ठ है, तथा ईद के दिन दोनों खुतबों के बाद कुर्बानी करना अफसल है, तथा हर दिन उसके बाद वाले दिन से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भलाई की तरफ पहल और जल्दी करना पाया जाता है।